सावनी सलोनी अदाए मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। वोकल का मैं हमेशा आई मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, व्हेन यू आर डूइंग पॉप डांस म्यूजिक, थोड़ा हेविली प्रोसेस में उसको रखता ही हूँ। यू कैन नॉट मेक एनी वॉइस साउंड गुड विद ऑटो ट्यून, एंड अगर इतना आसान होता तो 200,000 सिंगर्स होते और 200,000 सिंगर्स ऐसा गाना कर चुके होते और इतने बड़े बड़े हिट हो गए होते। हाय, मैं हूँ टोनी कक्कर और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। मेरा जो प्रोसेस रहता है गाना बनाने का वो ज़्यादा करके आप यकीन नहीं मानोगे, बट पूरे पूरे एक गाने की लाइन मेरे दिमाग में आती है विद कॉम्पोजिशन, एंड देन आई कंप्लीट लाइन बाय लाइन। सो इट्स जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट, सावली सलोनी अदाए मनमोनी, एंड देन वो बनता चला गया। कोका कोला तू जो नॉन फिल्म वर्जन था उसमें पहले जो उसका सिग्नेचर जो था वो उसका हुक ही था। जब फिल्म वर्जन हुआ तब फिर टू स्टार्ट विद द हुक म्यूजिक विच आई थिंक तनिष्क डिड ग्रेट इन क्रिएटिंग दिस हुक दिस पीस। It's a very pluckish thing and it just stands out and it sets the mood right and एक वो party starter music मैं इसको बोलता हूँ। और जब वो वहाँ पे आया कि ठंडे की बोतल में तेरा opener तुझे गट गट में पी लूँ, तो फिर actually उसके बाद कोई जगह ही नहीं थी जाने की, तो फिर उसको लैंड करना ही वहाँ पे था कोका कोला तू पे। तो मुझे लगता है बहुत ही नेचुरली आया है उसको, और शायद अगर तो कोई दूसरा सॉन्ग राइटर होता वो जैसे कि फिल्मों में भी या वैसे भी इंडिया में तब इतना कुछ ब्रांड लिखते नहीं होते थे। अभी अपना भी गाना अभी 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए होंगे, 2018 यस, सो 5 साल हो गए, तब लोग इतना नहीं लिखते थे। तो बट मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा हिचकिचाया नहीं, मैंने कहा ठीक है ना, इट्स फाइन, ब्रांड नेम है कोई, और इनफैक्ट इंडिपेंडेंट शुरू किया था, तो आई वाज लाइक कि अगर ब्रांड पंगा करेगा, टेक डाउन भी कर देगा, कर दे तो कर दे, इट्स ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फन। एंड बीट इज़ वेरी अर्बन रेगेटन। When Coca-Cola came out 2018 में रेगेटन ने एकदम से बहुत ज़्यादा हिट होना शुरू किया वर्ल्ड वाइड, और इस इतना पॉपुलर हो गया ये जॉनरा तो सारा बॉलीवुड भी उसकी तरफ चला गया, और इनफैक्ट बॉलीवुड क्या पूरा इंडिया का म्यूज़िक रेगेटन जोन में चला गया, एंड Coca-Cola इज वन ऑफ सेम। एक बार हनीपा जी मुझे मिले थे, और मतलब वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, पर स्पेशली उस दिन की मेरे को कॉन्वर्सेशन याद है, तो वो बोल रहे थे तेरे गाने ना इसलिए बहुत चिपकते हैं क्योंकि भले ही डांस नंबर्स होते हैं पर साला मेलोडी बड़ी कमाल की होती है, वो बहुत पक्की होती है, वो हल्की कॉम्पोजिशन नहीं है। तो मुझे ये लगता है वंस आई विल बी डन विद माई करियर तब लोग समझेंगे कि क्या खास था, कैसे बच्चे की जमा पे वो गाना पहुँचता है। वो इट्स जस्ट नॉट माई लिरिक्स, इट इज़ एवरी थिंग, द पैकेजिंग, and very easy to troll, but the fact is ki aap karke to dekhiye, matlab karna aasan koi hai, ek comment kar dena bahut easy hai, par aap bana ke to dekho ek aisa gana jo 100 matlab mere to 1 billion bhi ho chuke hain bhagwan ke blessing se, but ek 100 million wala bhi gana bana ke to dekho easy koi hai. Sure. And then there is this reverb delay. Tamali saloni adai, तो वो अंडर द वोकल्स दिस लेयर इज देयर। वोकल का मैं हमेशा आई मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, व्हेन यू आर डूइंग पॉप डांस म्यूजिक, तो थोड़ा हेविली प्रोसेस में उसको रखता ही हूँ। जो पॉप म्यूज़िक जब हम करते हैं तो उसको स्टैंड आउट, उसका साउंड बहुत अलग होना चाहिए और तभी वो गाना आप से चिपकता है। हाउ काला चश्मा हैज़ too much autotune and any other songs, but I don't know लोग मेरे autotune की इतनी बात क्यों करते हैं कि autotune। हाँ, मैं डांस नंबर्स में तो खुल के लगाता हूँ, एंड आई कीप इट द मैक्स, एंड बिकॉज आई लव द साउंड, एंड आई विल कीप यूजिंग दैट, आई विल कीप पुटिंग autotune टू माई डांस नंबर्स। हाँ, बैलेट्स जो होंगे, लव सॉन्ग्स जो होंगे उसमें कम रखूँगा, जैसे कि autotune everybody uses और मेरे को तो उसका साउंड पसंद है, तो आई कीप लॉट ऑफ autotune इन डांस नंबर्स। एंड वोकल्स तो वो
और उसमें फिर मोस्टली एक्सप्रेशन रह जाता है आपका, एंड डेफिनेटली योर वॉइस. यू कैन नॉट मेक एनी वॉइस साउंड गुड विद ऑटो ट्यून. एंड अगर इतना आसान होता तो 200,000 सिंगर्स होते और 200,000 सिंगर्स ऐसा गाना कर चुके होते और इतने बड़े बड़े हिट हो गए होते. फ्रैंकली कोला, दिस इज क्रेजी, आई लव इट. Yeah, so this, when it comes to a track. And then Neha comes. Neha makes any song sound much better. And, you know, मतलब नेहा को तो मैं explain ही नहीं कर सकता. नेहा की uniqueness और नेहा का style, नेहा का attitude, नेहा की singing. She's out of the world. तो ये इफेक्ट्स के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा पीछे है, जिससे कि दिस इज माय वॉइस. वो उसके करीब 12-15 ट्रैक करके हमने होए 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 रखा है. एंड आई लाइक टू यू नो, बहुत सारे साउंड जब होते हैं तो जो बहुत अलग साउंड्स होते हैं वो मैं काफ़ी रिकॉर्ड करता हूँ. और आप मेरे गानों में, जस्ट नॉट कोका कोला, इनफैक्ट बाकी गानों में भी बहुत डिफरेंट, इनफैक्ट धीमे धीमे में भी एक ऐसा सा कुछ है और वो लेयर्ड है काफ़ी, एंड इट स्टैंड्स आउट. एंड यू नो, एक दिन हम पार्टी कर रहे थे, आई थिंक धीमे धीमे का ही 500 मिलियन कंप्लीट हुआ था, तो उसकी पार्टी थी. बादशाह भाई एट कम, और बादशाह भाई वो बार बार मेरे पास से जा रहे थे, जब भी गाने पे आ रहा था. तो इट्स लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको हुक कर देती हैं गाने से. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग एक काम कर रहे होते हैं, पर कोई कोई बंदा उस काम के लिए ज़्यादा उसका नाम हो जाता है. तो ये मेरे से जुड़ गया है ये रिपीट करने का. बाकी बहुत लोग रिपीट करते हैं, पर हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ. तो बाकी रिपीट का यही है कि अगर हुक है, हुक तो रिपीट होगा ही होगा, और वो आप शुरू से अगर देखते, बहुत ध्यान से अगर म्यूज़िक सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे तो बहुत पहले से होता आया है. अब वो कुक 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 तरारा. अब ये इसमें कुक कुक ये क्या था, ये टोनी कक्कर तब तो नहीं था, तब तो मेरे पापा के वक्त का, यू नो अराउंड दैट, आई मीन जब वो पार्टी करते होंगे. तो इट्स जस्ट मेरे आई थिंक मुझे ये ब्लेसिंग मिली है कि शायद मुझे हमेशा के लिए इंडियन म्यूज़िक की इतिहास में एक टैग मिलना था, वो मिल गया. इट्स जस्ट ब्लेसिंग आई फील. और जो पीपल थिंक दैट यू नो ये ट्रोलिंग मीम्स वगैरह मुझ पर असर डालते होंगे, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज उससे गाना हिट होता है. मैं तो बोलता हूँ अब यार ये गाना ट्रोल नहीं हुआ तो लगता हिट नहीं होगा. बहुत ही थिन लाइन है कोका कोला तू बनाने में और पार्ले जी का बिस्कुट तू बनाने में, बिकॉज वो एक थिन लाइन है, वो समझाई नहीं जा सकती. हाउ वी यू नो डिफ्रेंशिएट कि ये क्लासी है, ये थोड़ा टैकी है, उसको आप कैसे लिखोगे किसी पेपर पे या कैसे किसी को समझाओगे. इट इज़ योर टेस्ट. सो यू नो इनफैक्ट बहुत सारे लोग वहीं मुझे लगता है प्रॉब्लम में आते हैं जब दे ट्राई टू यू नो मेक सॉन्ग्स ऑन एनी थिंग, एनी टॉपिक, एनी थिंग, एंड दे लाइक टोनी भी तो बना रहा है, टोनी भी तो ये सब लूडो पे, कोका कोला, कुर्ता पजामा. बट ब्रदर देर इज़ सम डिफरेंस. आई फील देर इज सम डिफरेंस. वो एक छोटा सा क्लास का डिफरेंस है, बिकॉज द वे इट यू नो मेरे गाने भले ही कोका कोला, लूडो या कुर्ता पजामा लिखे होते हैं, पर वो आपको कभी भी हल्के साउंड नहीं करेंगे कि यार ये तो बहुत हल्का सा है. सो माई न्यू सॉन्ग चुनरी में दाग इज आउट नाउ, एंड इट फीचर्स amazing artist from Sri Lanka. In fact, she's here. Amazing Yohani. Thank you so much. Coca-Cola is actually a very desi, yet you know, now became after film version urban anthem. So but this song is also Chunri Mein Daag to pura hi desi hai, par uska production jo hai, it has dholak also. In fact Chunri Mein Laga Daag Saiyan Jaau Main Ghar Kaise
चुनरी में लगा दाग सैया जाऊ मैं घर कैसे, चुनरी में लगा दाग सैया जाऊ मैं घर कैसे, चुनरी में लगा दाग सैया जाऊ मैं घर कैसे. थम्स अप मेरा फेवरेट है. उसमें कुछ अलग जिंग है, अलग अलग वाइब है उसकी. माई फ्रिज इज ऑलवेज फिल्ड विद कोका कोला एंड थम्स अप, नथिंग else.